हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और मेरे साथ में आज एक ऐसे मशहूर कलाकार है जो लाइवली है और ये इंटरव्यू को भी वो काफी लाइवली बनाने वाले। तो सो जॉइन मी एज आई वेलकम सुखविंदर सिंह ओनली ऑन जूम। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ समीना। प्यार से हम इन्हें सैमी बोलते हैं, सैमी शेख, और इनका अंदाज में थोड़ी शोखी भी है। और मैंने इनको अभी बात करा था, मैं कहा सैमी, जो हमारा व्यक्तित्व, जो हमारा अंदरूनी जो एक अदब होता है, वो चेहरे पे आता है, वो आंखों में आता है। कई लोग, आपने सुना होगा कि आंखों से दुनिया नहीं दिखाई देती, तो नज़रों से आती है। अच्छा, फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क दोनों में है, नज़रें जो हैं, आंखें रिसोर्स हैं, पर जो विज़न जो देखती हैं, जो तसव्वुर करती हैं, आंखें तवज्जो देती हैं, लेकिन उसको तसव्वुर जो उसका जो उसका नक्श, नैन नक्श को परखती हैं, वो नज़रें होती हैं। इसलिए तो बंद आंखों से भी सांस बजाते हैं लोग, जिनके कभी नज़रें नहीं, जो आंखें भी हैं, ब्लाइंड जिनको हम कह देते हैं, वो भी सांस बजाते हैं, इतने फास्ट बजाते हैं, तो वो उस वक्त नज़रें ही देखती हैं। तो जब आप नज़रों से दुनिया को देखते हो, तो बंद आंखों से भी दिखाई देती है। That's true. Yes, that's... वो देखने का नजरिया होना चाहिए। और नजरिए की बात करें सर, तो सो मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री, और आपने तो नजरिए के साथ में लोगों का दिल जज्बा भी जीता है विद डिफरेंट सॉन्ग्स, यू नो। सो हाउ द जर्नी हैज बीन फॉर यू एंड स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट इनिशियल? जर्नी इज गोइंग ऑन एंड नाउ जो जर्नी है, उसको थोड़ा एक और टर्निंग पॉइंट मिला है। लाइक फॉर 5-6 इयर्स आई वाज मच इन टू टाइटल ट्रैक्स। मेरे को अचानक लगा था कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, तो आई डिड रिक्वेस्ट टू ऑल माई डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, कि मुझे इस तरह के गाने दीजिए। फिर चक दिन ने तो पहले हुआ था, फिर बाद में सिंगम सिंगम टू, दबंग दबंग टू, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, मन भवर करे तन भिगुर, yes. फिर कर हर मैदान फतेह, फिर टाइगर जिंदा है, सुल्तान, इतने और भी हुए। अब मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा क्लबिंग सॉन्ग और रोमांटिक गाने, एंड वो मेरी अर्ज कबूल की गई, मेरे रिक्वेस्ट को कंसीडर किया गया। और मैं काउंट तो नहीं कर सकता कि हाउ मेनी सॉन्ग्स, वंस अगेन आई हैव सॉन्ग्स, जैसे पहले मेरा बंटन बंटन साकी, जय हो छैया, एंड है ना, बीड़ी जलाई ले, करेक्ट। सो नाउ उस तरह के गाने फिर वापस आए, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ माई म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, कि उनमें पहले से ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो मैंने कहा लड़का चमक गया है, मैं थोड़ा और एनर्जी आ रही है, जो इतने सालों से सेब और आंवले खा रहा हूँ उसका असर आ रहा है। सो नाउ आई एम रियली विलिंग टू डिलीवर मोस्ट ऑफ डांसिंग सॉन्ग्स एंड रोमेंटिक, क्योंकि जो मेरे अंदर है ना, वो डांस बहुत है। अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड मेलोडी, अच्छे अल्फाज, थोड़े चटपटे लेकिन शानदार अल्फाज, पोइट्री, शायराना अंदाज हो, चाहे कितनी भी आपने उसमें चुलबुली बातें क्यों ना लिखो, लेकिन शायराना अंदाज हो, ना तो चक्कुआ की धार, ना दराती ना कटार, ऐसा काटे कि दांत का निशान छोड़ दे, ये हुई ना बात पोइट्रिक वे से। या फिर नशा ही नशा, जैसे ट्रांस हो, है ना, तो वो आई एम स्टार्टेड गेटिंग। तो अभी फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, सुखी कल ये गाना रिलीज़ है, परसों ये रिलीज़ है। तो जैसे अभी बीच में गणपति जी का भी गाने के लिए बोला, तो मेरे माइंड में आया कि जो उनकी गणपति जी की सवारी के साथ में जो बिंदास जो डांस करते हैं ना, वो मुझे ताल फिल्म का याद आ गया। अच्छा। कि ताल के टाइम पे जब मैंने रिमिक्स गाया था वो, और वो आज भी लोग सुनते हैं, तो वो माइंड में आया। तो देन वो ही ड्रम्स बीट, आजा गणपति राजा, सो उन वो ड्रम्स हैं, कुछ ग्रुप सिंगिंग है, सो मौज और मस्ती, तो वही मौज मस्ती जो है अभी फिल्म के जो गाने हैं, जिसमें मतलब यहाँ तक एक मैं अभी नाम नहीं रिवील करना चाहता था, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म जिसमें हीरोइन डांस कर रही हैं, हीरोइन परफॉर्म कर रही हैं पर्दे पर, लेकिन मेल वॉइस चल रही है। उन्होंने सोचा था कि इसको फीमेल में ही करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नहीं, ये नया कॉम्बिनेशन है। तो मैं
अंदर का जो मेरा एक वो जो नटखट जो रंग है ना, वो अब इन गीतों में आएगा. और आई थिंक सो आई विल डिलीवर द बेस्ट, क्योंकि मैं बहुत मनोरंजन है यार अंदर. और कहते हैं जो खुद दीवाना नहीं वो दूसरों को दीवाना कर भी नहीं सकता. और यही बात है, यही मैं छोटी सी हिमाकत कर रहा हूँ, कैमरे उधर देख आपकी तरफ रहा, क्योंकि आपकी आंखों में भी कैमरे नजर आ रहे हैं. अच्छा, बहुत सा है. पर सर, आपके गानों की बात करें तो आपकी जोड़ी विद शाहरुख खान हैज प्रूवन टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वन. द काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू हैव रिटन फॉर हिम, द काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू हैव यू नो संग फॉर हिम, दिल से के लिए हो या फिर यू नो हौले हौले हो, उड़ी उड़ी जाए, स्पेशली उड़ी उड़ी जाए भी काफ़ी, यानी अभी भी मकर संक्रांति में दैट सॉन्ग इज पॉपुलर, पीपल प्ले यू नो रईसेज उड़ी उड़ी जाए एंड एवरीवेयर दैट सॉन्ग इज देयर. छैया छैया टिल डेट पीपल कैन नॉट गेट अ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू, या एंड हौले हौले जो मेरा तो कहीं ना कहीं फेवरेट है मेरा, वो बेसिकली यू नो ट्रैवलिंग वाला सॉन्ग है. तो आपका वो एसोसिएशन चक दे, ऑफ कोर्स चक दे, सो आपका वो एसोसिएशन कैसा रहा और आप दोनों को साथ में कोलैब करने के लिए हमें और कितना वेट करना पड़ेगा? अभी रिसेंटली आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम शाहरुख भाई. वो उनमें एप्रिसिएशन बहुत है. लोग कहते हैं कि ही इज अ वेरी प्रोफेशनल, तो फिर इसको एटिकेट मानना, सराहना करनी, ये भी एक अदब है, ये भी एक महफिल का करीना है, ये भी एक सलीका है. आपके साथ जो आपकी फिल्म के साथ जो लोग जुड़े हैं, आप एक दूसरे को मॉरल करते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं. दाद देना भी तो मॉरल करना है ना कलाकार को. अगर उसने कुछ खूबसूरत बात कही है, किसी ने पढ़ के कही है शायरी में, किसी ने गा के कही है, तो आप जब उस दाद देते हो उसकी हौसला अफजाई होती है, उसकी अपने पैशन के प्रति जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है. तो जब किसी को अप्रिशिएट करना है तो फिर जी भर के करो. और जब आपने किसी की इज्जत अफजाई करनी है तो फिर घुटनों पे पांव हाथ नहीं जाने चाहिए, चरण छूने चाहिए, दिल से तहे दिल से आप झुक के सलाम करो. वो शाहरुख भाई में है, औरों में भी है. कई लोगों की आदत होती है कि दिल में होता जुबान पे नहीं आती, ये दिल में भी होता जुबान पे भी लाते. हालांकि गाने ज़्यादा सलमान की फिल्मों में होते हैं मेरे. मैं अजय देवगन साहब, अक्षय साहब के लिए थोड़े कम हैं बेशक, लेकिन हैं तो. लेकिन आज तक मैंने किसी एक्टर के लिए गाया नहीं, मैं उस करेक्टर के लिए गाया हूँ जो वो निभाते हैं. करेक्ट. इसलिए उनको भी सहूलत रहती है कि मैं उसी करेक्टर को गाया हूँ, तो उनको भी एक्ट करना है ना उस पर. हाँ. क्योंकि पर्सनली उनकी कहानी नहीं बताई जाती, उस करेक्टर की कहानी बताई जाती है. तो सबका भी रणबीर की फिल्मों में सिंह एंड कपूर एंड नाउ वेटिंग शाहरुख भाई के बेटे के लिए. और ये अप्रोच, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली भी है. ओह वाओ. यस. या साउथ के जो एक्टर हैं, साउथ की जो फिल्में हैं मेरे लिए, वो सिनेमा तो एक ही है ना. तो इसके साथ साथ मैं अपना थोड़ी मेरी तवज्जो जो है इस वक्त वो सिंगल्स की तरफ भी गई है. क्योंकि एक बहुत सालों पहले मैंने नशा ही नशा एल्बम किया था. मोहब्बत में ऐसा करिश्मा कि इसमें मज़ा ही मज़ा है, ये ऐसी हसीना के घूंघट में इसके हया ही हया है, ये है जंग ऐसी के आशिक तो इसमें तवा ही तवा है, नशा ही नशा है, मज़ा ही मज़ा है. सो इसको 10-15 साल हो गए. अब मैं उसके बाद मैंने ए आर रहमान साहब के साथ एक पंजाबी गाना लिखा था. हाँ. क्लासिक जॉनर का. Okay. बल्ले बल्ले शावानी. मन चंद्रे. दैट आई हैव रिटन एंड आई सन. हालांकि सोशल मीडिया पर नाम अलग अलग लिखे जाते हैं, जिन्होंने कभी पंजाबी बोली नहीं उनका नाम लिखा रिटन बाय. अच्छा. वो भी रॉयल्टी. रॉयल्टी. सो नाउ एंटरटेनमेंट सेगमेंट की तरफ मेरा सेमी ज़्यादा ध्यान गया है. उत्तर मेरा आकर्षण तवज्जो जो है वो गई है. उसके लिए मैंने डेफिनेटली अप्रोच किया है, बाकायदा उसके लिए मैंने काम मांगा है, कहना पड़ता है. क्योंकि बीच में टाइटल्स ट्रैक इतने हुए थे तो कोई I was stamped as a title track singer. So now I didn't stop, but moreover I have convinced them, I have sent them some of my vocals, some of my new songs, because I compose sometimes. I do write also. True. So they were flabbergasted. They said, oh wonderful, the energy is sounding better than before.
यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग बेटर देन छैया एवं जय हो. सो नाउ सिंग मोर और कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड मेलोडी एंड गुड पोइट्री. ये तो चाहिए मुझे, मैं बहुत आशिक हूँ शायरी का. मुझे अच्छा लगता है चाहे उसका रंग रूप कैसा भी क्यों ना हो. शायरी तो हम सभी काफ़ी पसंद करते हैं. और आपकी फेवरेट शायरी कौन सी है? क्योंकि गुलजार की शायरी तो हम सभी लाइक यू नो कई बार लिखते भी है, कई बार बोलते भी है. और नुसरत साहब की भी कई बार यानी उनके जो बोल होते हैं वो कई बार यानी लिया जाता. आनंद बख्शी साहब, आनंद बख्शी, यस. उनके साथ मेरे को एक ही बार काम करने का मौका मिला, ताल. हाँ, तो वो सिंपल सी बात लिखते हैं, ताल से ताल मिला, बस बात करो, ताल से ताल मिला. तो सबसे बड़ा संजोग तो वही होता है. जावेद अख्तर साहब क्योंकि फिल्मों के बेहतरीन राइटर भी हैं, डायलॉग राइटर भी रहे सलीम साहब कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली. तो उनकी राइटिंग में एक जो शब्दों का जाल होता है, रुत आ गई रे एंड रात की दल दल गाढ़ी रे, समय की चले कैसे गाड़ी रे. सो उनके साथ अब दर्दे डिस्को लेके आए पिछले महीने की 26 को. हाँ, तो फिरता हूँ मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एले, सैन फ्रांसिस्को, दिल में मेरे है दर्दे डिस्को. ये शब्दों का जाल उनको बहुत. गुलजार साहब बुझारत लिखते हैं, बुझारत लिखते हैं. अच्छा, वो जैसे आप सुनते हैं तो एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं. फिर उसके बाद जब जैसे उस शब्दों का जाल समझ में आता है, उस बुझारत का, फिर तो आप कायल हो जाते हैं उनके. तो मुझे अच्छे लगते हैं. तो अभी थोड़ा चटपटा मूड बना हुआ है. सो आई एम जस्ट गिविंग माई रिक्वेस्ट लेटर टू एंटायर माई फ्रेंड्स, दे आर प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर्स. सो आने वाले कुछ ही हफ्तों में वो सीरीज शुरू हो जाएगी. सर आपने एक बीच में एक ऐसा भी फेस था जब आपने एक ब्रेक लिया था. You were there, but we didn't see more of you like we used to. Because of title tracks. Okay. Because of title tracks. 5 years, I was constantly into title tracks only. तो title track हर फिल्म में थोड़ी हुआ. हाँ, that's true. तो stamp लग जाता है ना कि title track ही गवाएंगे. गवाएंगे. इससे बेहतर title track कोई नहीं गा सकता. हाँ. सुखविंदर is known for title track. हाँ. तो gap तो आना ही था. तो उसके वजह से basically like आपका focus सिर्फ title tracks पे था. उसको मैंने थोड़ा विराम दिया. हाँ. कभी वापस जो मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं हम लोग मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स, डांस, रोमांस, क्लबिंग. पर आज के लाइक यू नो व्हेन वी गो बाय व्हाट इज हैपनिंग टुडे कि कहीं पुराने सॉन्ग्स को रिमिक्स कर रहे हैं एंड व्हिच आल्सो समटाइम्स मेक्स इट लूज द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग. आपका इस पे क्या कहना है? डू यू फील दैट ये एक पैटर्न जो है वो यानी हट जाना चाहिए और ओरिजिनल सॉन्ग्स ही रीइन्वेंट यानी इन्वेंट करना चाहिए? वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि हमारे कंपोजर कितना बेहतरीन सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं. एंड वी हैव अ कैपेबल कंपोजर हु दे मेक अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स आल्सो. दे आर ब्रिलियंट. एंड अगर मुझे भी मौका मिले अगर कोई पुराना गाना रेट्रो नए रिमिक्सेस में, आई लव टू सिंग ऑफ आर डी बर्मन साहब सॉन्ग्स, किशोरदास. और अगर आपको नए गाने चाहिए तो हैं, मेरे पास भी है. आई हैव लॉट्स ऑफ एनर्जेटिक डांसिंग नंबर्स. आपको पुराने गाने को रेट्रो को रिमिक्स करने की जरूरत नहीं है. एंड वी हैव अ फ्यू कंपोजर्स हु आर वेरी मच कैपेबल. और उनके गाने जब आते हैं तो फिर वो छा जाते हैं. आई कैन नेम देम बट कोई मिस ना हो जाए. तो बट यू कैन नॉट मेक अ लॉ टू स्टॉप इट कि रेट्रो को बंद कर देना चाहिए. अब वो ताकत ही उनमें इतनी है. आज भी तो 400 साल पुराने पेड़ खड़े ऑक्सीजन दे ही रहे ना. True. तो फिर वो जो विरला विरला पंजाबी का वर्ड होता है, द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू. हर कोई खास बात, कोई खास जगह, कोई खास वजह, कोई खास इंसान, व्यक्ति हर जगह नहीं पाए जाते, बड़े रेयर होते हैं. ऐसे लोग जो जिनको एक्चुअली में हम खूबसूरत कहते हैं, उनके रंग रूप की वजह से नहीं, उनकी अदा, उनका हल्का सब वो लचक, वो
ऊंट जब हल्के से लरजते हैं उनके चेहरे की रौनक जो उनके अंदर की रौनक लेके आती है वो किसी क्रीम से नहीं फेर हुए होते हैं, वो अंदर से होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं। वो आज भी, अभी मेरे को अप्रोच हुआ था एक गाना बप्पी दाने को गाया था, थोड़ी सी जो पी ली है चोरी तो नहीं की है, ही गिफ्टेड मी वॉच, ही सेड आई वाज वंडरिंग कि मैं ये गाना किशोरदा से गवाया था जब तो तुम इतनी मोहब्बत करते हो किशोरदा से, तुमको गाते देख के मुझे लगा कि वाकई जो लव है जो डायरेक्टर को कन्विंस करेगा लेगा तो वो ही, चाहे फिर आप नया बनाते चाहे रेट्रो को रिमिक्स करते। कई डायरेक्टर्स में इतनी कन्विक्शन पावर होती है और इतनी सरल होती है एंड म्यूजिक डायरेक्टर के पास कैपेबिलिटी होती है, वो दे मेक इट, देन यू कॉल मी इफ यू थिंक ऑफ मी, तो चार चांद लगने तय हैं। पर सर रिसेंटली एक और एक चीज़ ऐसी हुई थी जब यू नो बेसिकली व्हेन फॉर ऑस्कर्स जय हो का सॉन्ग गया था ना, राम गोपाल वर्मा क्लेम्ड दैट यू नो यू हैव बेसिकली composed and also you know sang this song and A.R. Rahman has just taken the credits. You had also come out you know and you had raised your concern regarding this, but what exactly the entire matter was? Do you also feel that you are not credited enough for the work you have and it doesn't get, you know, it does get recognized internationally by a lot of people, but you know giving recognition in terms of an award, what are your thoughts on that? No, nothing, simply I met Rahman and both of us we discussed for 30 seconds about this. In one sentence, he said, Sukhi, let's do one another song. And I sang for Ryan film or Ryan film, new. So third person was sitting there, ki aaj lambi chodi discussion hone wali, to hui nahi. Achha. Main mic pe kya gaana gaane laga, baat khatam. Because of, ye aapko hi decide karna hoga, ki aap, आप तवज्जो चाहते हैं कि सिर्फ मैं दिखाई दूं, तो इतना ऊंचा पहाड़ मत बनो कि आप अकेले रह जाओ, वहां ऑक्सीजन भी ना हो, परिंदा भी ना हो, तो आप मिलके खाएंगे तो सपने। ये कैसे हो सकता है कि A.R. रहमान ने गाना बनाया और मैं कहूंगी ये भी मेरा है? वो जब कह रहा किसी इसको गाया सुखविंदर ने, भाई आपने बनाया है, वो इस चीज़ का क्या आनंद लोगे? मैं नहीं ले सकता, मुझसे नहीं होगा, ही डिड इट, ही इज द पर्सन हु मेड चाहिए चाहिए, दैट्स इट। रमता जोगी ताल रुता गिरे, हाँ तितली दबोचली मैंने, जय हो मनचंद्रे, दैट आई हैव रिटन आल्सो एंड मैनी अदर्स। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अभी है ना पिक्चर में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट डू यू, आपको थोड़ा सा ऐसा थ्रेट नहीं लगता बिकॉज इट कॉपीज योर वॉइस एंड चेंजेस टू समथिंग एल्स ऑल टुगेदर? ये बहुत हो रहा है बेसिकली, आपने खुद का यानी कि रॉयल्टी बना लिया है, आपने खुद का एक वो कर लिया? मैंने अभी तक बनाया नहीं, क्योंकि अगर ये उसमें पैटर्न है कि कॉपी और कुछ और आवाज को चेंज करना, तो उसमें कुछ और भी तो चीजें हैं। आपको क्या अच्छा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सेप्टेंस अच्छी लगती है मुझे, सब तो पहले मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव माइंडेड हूँ, आई विश टू लिव इन प्रेजेंट टाइम, आई लव टू, आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव पर्सन, आई एम नॉट ट्राइंग टू अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई एम वेरी टूडेज गाय, बट आई नो दैट पास्ट कैन नेवर बी अ ग्रेवयार्ड, पास्ट इज ऑलवेज एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एक्सपीरियंस टू इम्प्लीमेंट इन टू प्रेजेंट टाइम। आई हैव बहुत कदर करता हूँ मैं पास्ट की, पर मैं उस वहाँ जी नहीं सकता, बट तजर्बा तो मुझे पास्ट से लेना पड़ेगा, बट कंस्ट्रक्टिव मुझे अच्छा लगता है। अब AI में अगर कुछ उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं तो थोड़ा मंथन भी हम कर सकते हैं, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है, मैं उसको छू लेता हूँ। अब जब आप चाय पीते हैं तो पत्ती तो छानते ही है ना, तो फिर पत्ती खाने की क्या जरूरत है? करेक्ट, तो अगर AI आया है तो कुछ इसमें होगा जो करप्टेड नहीं है, जो डिजास्टर नहीं है, जिसमें वायरस नहीं है, कुछ तो इसमें अच्छा होगा ही ना यार। आप अगर आपने
गुलाब के फूल को छूना है तो ये ज़रूरी है कि मज़े लेने के लिए कांटे पे भी हाथ मारते रहो? उसे गुलाब को छुओ ना, आपको मालूम है कि उस पर कांटे भी है तो उसको चुभो के देखना कि जब तक खून ना निकले. वाई यू नो दैट इज टफ, लेट इट बी. लास्टली बिफोर आई लेट यू गो सर, एक ऐसा गाना जिसके साथ में आपकी मेमोरी ऐसी जुड़ चुकी है कि हर बार आप वो रिकलेक्ट करते तो एकदम से रिफ्रेश फील करते हो, वो कौन सा गाना है? अभी पागल हो गया था जब मुझे राम संपत गाना लेके आए किरण जी ने, भेजा राव किरण रॉय ने, लापता लेडीज का. एंड किरण जी ने बात की कि सुखी जी आपको फोन आएगा, हेलो हाय होने के बाद एंड राम संपत का फोन आएगा तो आप सुन लीजिए गाना, हम चाहते हैं कि आप गाएं. राम संपत का फोन आया कि सुखी जी आप सुन लीजिए गाना, जी मैं आपको भेजता हूँ, साथ में म्यूजिक भी भेजता हूँ, सुन लीजिए बताइए कब करना है. 21 मिनट के बाद मेरा फ़ोन गया, मैं क्या सेंड मी योर ईमेल आईडी आई डी सेट क्या हुआ? तो मैं क्या अब सेंड मी, तो मैंने अपना आवाज़ भेज दी उधर, उसने हल्का सा मिक्स करके किरण जी को भेज दिया. तो किरण बोले तो 30 मिनट्स नहीं हुए यार, ये क्या करता है? मैं कहा नहीं, दिस इज़ नॉट द क्वालिटी. मेरे को उस गाने का मौज ऐसी चढ़ी ना, तो फिर बाद में मैं जब ट्रायल पे गया, सॉरी प्रीमियर प्रीमियर पे गया, तो मैं दिल्ली से कॉन्सर्ट करके सीधा वहाँ गया. आमिर खान में भी अप्रिशिएशन बहुत बहुत इज्जत अफजाई करना जानता वो शख्स. ही इज़ नॉट अ ड्राई, ही इज़ अ वेरी कलरफुल पर्सन. एक महफिल में बैठे थे फॉरेनर्स कुछ बैठे थे, द वे ही जंप्ड टुवर्ड्स टू मी, हग किया, फिल्म देखी आए और फिल्म भी बहुत अच्छी लगी मुझे. वो गाने ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया यार. और मैं स्टेज पे जब गाता हूँ, अंग अंग मेरा नाचता है, आवाज़ नाचती है, मुझे बहुत पसंद है. इट इज़ नॉट टू प्रमोट द सॉन्ग, आई रियली लव दैट सॉन्ग. इफ यू हैव यू सीन लापता लेडी? यस यस, बहुत खूबसूरत लगता है उसका सारा और वो सूट करता है, वो जो पूरा जो इंसिडेंट हो रहा है, जो तरीके से उस पे यानी रवि किशन जी वॉच रख रहे हैं एंड द सॉन्ग इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, आई थिंक वो सिचुएशन को पूरा, यस वो पूरी फिल्म का ही एक ट्रैवलिंग है, ट्रैवलर्स हैं उसमें सारे. सो कई गाने हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कई गाने आपको सबक भी देते हैं, जैसे हैदर का था बिस्मिल बिस्मिल बुलबुले बिस्मिल. ऐसे गाने आपको सबक देते हैं कि आप कहानी को कैसे गा सकते हो. गाना गाते गाते मैं बैठ भी गया था, मैं कहा जी मुझे थोड़ा और समझ ले दीजिए. कई गाने आपको सबक देते हैं, कई गाने आपको सरप्राइजेस देते हैं, जय हो जैसे. कई गाने आपको पूरी दुनिया से मिला देते हैं, वाकिफ करा देते पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से, छैया छैया जैसे. कई गाने ऐसे आपको उनसे इश्क हो जाता है, फिर कई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आती है जो इबादत के गाने, जो प्रार्थना के, तो वो भी कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी करते. जैसे अभी आजा गणपति राजा, तो वो मुझे वो जब सवारी निकलती है महाराज की, तो वो जो लोग बिंदास, जो बिंदास मैं शब्द अगेन अगेन कह रहा हूँ, वो जो नाचते हैं ना, वही ऑरा मेरे माइंड में था, उसी को सोच के ही मैं बनाया. मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको मैंने यहाँ वहाँ हाथ पाँव मार के रिलीज करवाना है. ट्रू, बहुत ट्रैवलिंग नहीं हुई इस गाने की. मैं ऐसे कविता को टिप्स में फ़ोन किया, टिप्स ने ही रिलीज़ किया है, तो मैं कहते सुखी जी तो 3 दिन के बाद तो गणपति जी बैठेंगे, तो आप आज बोल रहे हैं? तो मैं कहता देख लो मन है तो को मन था प्यार तो करते हैं इनकी, काफ़ी फिल्मों में गाता रहता हूँ मैं, तो सुना शाम को आए, दूसरे दिन रिलीज. तो आपका काम मैंने देखा है कि बहुत इंस्टेंटली होता है, यू नो वॉट एवर यू ट्राई टू प्लान गिवन विद करण राव या फिर गणपति का सॉन्ग, आई थिंक पीपल इंस्टेंटली लाइक यू एंड सो दैट यू नो इवन मी लाइक यू नो आई जस्ट आई एम फॉन्ड ऑफ योर म्यूजिक एंड या रैंडम होके, पर आपका जो म्यूजिक है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखता है. एंड बिफोर आई लेट यू गो आई हैव टू आस्क यू, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है जिस पर आप फोकस कर रहे हो, कुछ रेवलेशन भी कर दीजिए जो यानी हम जानना चाहेंगे. मैं कुछ अपने डायरेक्टर से भी बात की थी, तकरीबन 20 से 22 फिल्में हैं. उन्होंने कहा कि आजकल एक पैटर्न है, हम लास्ट में ही नाम रिवील करते हैं. 20 से 22 फिल्म, टचवुड. वो जो मैंने आपको कहा ना रोमांस एंड डांस और मेलोडी कॉम्बिनेशन, वो अभी पूरे बल्क में आएगा. एंड सिंगल भी एक बड़े विचित्र प्रकार का सिंगल भी लेके आ रहा हूँ, एंटरटेनमेंट सॉन्ग. इतना
मतलब इमेजिनेटरी है, इतना फिक्शन है उसमें, और उसकी सिंगिंग का स्टाइल भी नया है, और उसके साउंड मतलब अपने आप में वो एक बहुत ही अनोखा सरप्राइज है. तो शायद इस बार मैं काफी सिंगल्स के साथ भी जुड़ूंगा. सिंगल होते हुए भी नहीं, मिंगल तो हूँ आधा. एनीवे ये कहानी थी. और ये क्या बोल गए तू ये? हाँ, पर क्यों आपने वो इतना सीक्रेटिव किया? सिंगल्स, मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ. म्यूजिक एल्बम ओके, म्यूजिक एल्बम. So, but that's a very good quality, which the other side of it also. No. Yeah. Is it because of the professionalism? Music album. Music album. एक recently आपने confession किया था that now you will not charge more than 2 rupees for your songs. Was it because people were kind of you know dragging you के नहीं इनके charges काफी ज़्यादा है या you know he's very expensive a singer? फिर 2 रुपए भी किसलिए मांगे? तो आपने शायद ऐसे फील. मैंने ये कहा था कि मैं budget के लिए stubborn नहीं हूँ. उसको 2 रुपए में कन्वर्ट कर दिया. पर मैं स्टबन हो भी नहीं सकता. व्हाई? सब कुछ मैं बिजनेस को नहीं तरजीह दे सकता ना. जिनके बजट नहीं ज्यादा है. पर फ्री फंड वाला तो नहीं. मैंने इतना बोला था कि आई कैन नॉट बी स्टबन विद द बजट. आई कैन सिंग एट द फ्री कॉस्ट ऑल्सो इफ समवन डजंट हैव अ बिग बजट. 2 रुपए का बना दें. But lovely chatting with you, sir. You're so lively. Thank you so much.